ज्ञानी इतिहास अध्याय छः सामन्तवाद वर्ग तीन के जो मैं आपको पाठ पढ़ा चुका हूँ उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो पहला जो प्रश्न है, फ्रांस के प्रारंभिक सामंतवाद समाज के दो लक्षणों का वर्णन कीजिए। पहला है चर्च सामंती व्यवस्था का अंग। फ्रांस में चर्च सामंती व्यवस्था का अंग था। बब्बर जातियों के आक्रमणों ने फ्रांस के चर्च के अधिकारियों को अपनी रक्षा के लिए सामंतों की शरण में जाने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार चर्च के अधिकारी बिशप आदि स्वयं सामंत बन गए। उन्होंने जागीरें प्राप्त कर ली और बदले में अपने अधिपतियों की सामंती सेवाएं प्रदान करने लगे। धीरे धीरे यह प्रथा सभी देशों में फैल गई और चर्च सामंती व्यवस्था का अंग बन गया। दूसरा है सामंती व्यवस्था आर्थिक तथा सामाजिक संगठन का आधार। फ्रांस में आर्थिक व सामाजिक संगठन का आधार सामंतों की जागीर जमींदारों होती थी, जिसे मैनर जागीर गांव कहते थे। इसलिए उस संगठन को मैनोरियल व्यवस्था या मैनर व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। हर क्षेत्र में छोटी या बड़ी सभी प्रकार की जागीरें हुआ करती थी। जागीर का केंद्र गांव होता था, जिसमें किसानों की छप्पर से बनी झोपड़ियां हुआ करती थी। हर गांव में एक चर्च तथा सामंत का आवास होता था। कृषि योग्य भूमि का लगभग एक तिहाई भाग सीधे सामंत के अधिकार में रहता था। दूसरा जो प्रश्न है, जनसंख्या के स्तर में होने वाली लंबी अवधि के परिवर्तन ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया? इसका उत्तर है, इस प्रकार है, कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंध तीन क्षेत्रों जनसंख्या व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख थी बढ़कर 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपी 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाड़ और तबाह हो गए, परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ, वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बढ़ने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खदान होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहां वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सके। इस जरूरत ने मियादी हाट मेलों को बढ़ा दिया और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिसमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें, जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके, और एक कार्यालय जहां नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके, दूसरे स्थानों पर
नगरों का विकास, बड़े दुर्ग, विश्वों की जागीर और बड़े शहर के चारों तरफ होने लगा। नगरों के लोग सेवा के स्थान पर उन लांडों को, जिनकी भूमिका पर नगर बसे थे, कर देने लगे। नगरों ने कृषक परिवार के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लाट के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। उत्तरी यूरोप में 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया। तूफानों और सागरी बाढ़ों ने अनेक हार प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को कर द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के तीन क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रसरण के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भूसंरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था कि चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। 1315-1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा, उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ, तो दूर देशों से व्यापार करने वाले यूरोपी तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ बिलोनिक प्लेग जैसे महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिम यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवालित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% थी। तीसरा जो प्रश्न है, नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने, उनका पतन कब हुआ? उत्तर है, 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ाया दिया, जो नाइट कहलाते थे। ये लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिसका प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, जिसे फीव कहा गया, दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। जिस समय सामंती व्यवस्था का पतन हुआ, उसी समय नाइट्स का भी पतन हो गया। चौथा प्रश्न है, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? इसका उत्तर है, मध्यकाल में मठ भी धार्मिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। मठों को प्राय आबादी के बाहर बनाया जाता था। दो सबसे प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा
910 ईस्वी में बारगड़ी में स्थापित फलूनी था। मठों में भिक्षु निवास करते थे, वे इनमें रहकर धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे तथा कृषि भी करते थे। मठों का प्रमुख काम धर्म का प्रचार करना था। मठों में अनेक कलाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। एक महान संगीत आबेस हिल्डेगार्ड था, जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 10 या 20 पुरुष तथा स्त्रियों के छोटे समूह से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें तथा भू जागीरों के साथ साथ स्कूल कॉलेजों और अस्पताल संबंध थे। 13वीं शताब्दी के भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फायर कहते थे, उन्हें मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। 5वां जो प्रश्न है, मध्यकालीन फ्रांस के नगर में एक शिल्पकार के एक दिन के जीवन की कल्पना कीजिए और उसका वर्णन कीजिए। मध्यकाल में इतिहास के शिल्पकार अपने कार्यों में बड़े कुशल थे। शिल्पकार नगरों में कार्य करते थे। शिल्पकार अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए थे। वे प्रतिदिन सुबह से शाम तक अपनी शिल्पकारी के माध्यम से अनेक वस्तुएं बनाते थे। वे इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनके शिल्प की गुणवत्ता बनी रहे। प्रतिदिन के काम में वे इस बात का ध्यान रखते थे अपने साथी सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकता पूरी हो जाए। शिल्पकार घर में काम आने वाली तथा कृषि से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते थे। 6वां जो प्रश्न है, फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना, इसका उत्तर इस प्रकार है। फ्रांस के सर्प और रोम के दास दोनों के जीवन में शोषण की प्रमुखता थी, किंतु दोनों की जीवन शैली में अंतर था। फ्रांस के सर्प, फ्रांस में जो दास किसान होते थे उनको सर्प कहा जाता था। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, इनको सामंत की भूमि पर काम करना पड़ता था। इनको कृषक मजदूर भी कहा जा सकता है। इनको जीवन भर बिना परिश्रम के अपने सामंत के खेतों में काम करना पड़ता था। इनका छोड़कर नहीं जा सकते थे। उनके पुत्र को भी सामंतों के लिए अपने पिता की भांति काम करना पड़ता था। सिर्फ केवल खेतों में ही काम नहीं करते, बल्कि अन्य काम भी करने पड़ते थे। उदाहरण के लिए सामंतों के घरों का निर्माण आदि। कोई सामंत उस भूमि को जिस घर में वे काम कर रहे थे किसी अन्य को देता तो सिर्फ लोग फिर उस व्यक्ति के लिए काम करते। सामान्य लोग स्वेच्छा से उनको मुक्त कर सकते थे, अन्यथा उनको सदैव सामान्य के लिए काम करना आवश्यक था। रोम के दास, रोम के समाज में सबसे नीचे का वर्ग दास होता था। उनको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उनको सामाजिक न्याय भी प्राप्त नहीं होता था। रोमन दासों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। उनको मारा पीटा भी जाता था। कभी कभी मनोरंजन के लिए उनको जंगली पशुओं के सामने डाल दिया जाता था। उनको मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था। दासों को रोमन समाज में संघर्ष भी हो जाया करते थे, किंतु कालांतर में ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने दासों के प्रति
सहानुभूति भी प्रदर्शित की। बच्चों, ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और इसका अभ्यास करिए। इसके बाद मैं आपको आगे का पाठ पढ़ाऊंगा।